नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे एसिड, यानी कि ये जो अम्ल हैं इनको हम करेंगे, और भी हैं जो इसमें हम और कराएंगे तो कुछ आपके सामने, तो इन सभी को इसी वीडियो में याद करेंगे। 10 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं होगी दोस्तों, 10 मिनट में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, रेलवे का तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ जाए, रेलवे के दो क्वेश्चन आपके पक्के हैं, दो क्वेश्चन आपके पक्के हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने भी रेलवे के एग्जाम दिए हैं और क्वालिफाई भी किए हैं, तो मुझको पता है दोस्तों यहीं से पूछा जाता है, दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं रेलवे में। तो आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हुए जाएं। तो आप देखते हैं, याद करते हैं, विनेगर, विनेगर यानी कि सिरका। सिरका में दोस्तों ये जाने वाला पूछा ये वाला क्वेश्चन कि जो सिरका होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ऑप्शन में होगा एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, भी इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। सिरका, सिरका यानी कि एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड, मेरे साथ साथ बोलते हुए चले, लिखते हुए चले, बोलते हुए चले, लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपके दिमाग में एक बार में बैठ जाएगा दोस्तों। तो सिरका में कौन सा होता है एसिटिक एसिड, कौन सा होता है एसिटिक एसिड, आंवला, साइट्रस फ्रूट, यानी कि जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल आप पता लगा सकते हैं खट्टे फल कौन से होते हैं, जैसे कि नींबू है, संतरा, रसीले फल, ये सभी नींबू, संतरा, रसीले फल, ये हमारे खट्टे होते हैं, नींबू खट्टा होता है, आप सभी ने खाया होगा, संतरा भी दोस्तों खट्टा ही होता है, और जो रसीले फल हैं वो सभी दोस्तों इसी में आ जाएंगे, जैसे कि आंवला है और साइट्रस फल, यानी तो इसमें साइट्रस यानी खट्टा दोस्तों, तो साइट्रिक जो अम्ल हो जाएगा उसी को हम, जो साइट्रस फ्रूट है उसी में साइट्रिक एसिड होता है, यानी खट्टे में कौन सा होता है साइट्रिक एसिड, इसी को हम क्या बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। दोनों में से कोई सा भी आपको देखने को मिले तो आप सीधा सीधा लगा देंगे, या तो एस्कॉर्बिक होगा ऑप्शन में या सेट्रिक, ज्यादातर सेट्रिक होता है, तो इसी को आप ध्यान रखें। अब दोस्तों यहाँ पर आता है टर्मरिक यानी कि इमली, इमली में कौन सा होता है अनरिपन मैंगो यानी कच्चे आम और ग्रेप्स अंगूर, तो टर्मरिक तो टार्ट्रिक, यहाँ से ही आपको इसी में से बनना है टर्मरिक तो टार्ट्रिक एसिड, क्या हो जाएगा टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक दोस्तों खट्टी होती है वो भी, तो आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर साइट्रिक फ्रूट्स हो जाएंगे, यानी ऐसे साइट्रिक एसिड, साइट्रिक से साइट्रिक एसिड, और इमली यानी कि इमली यानी कि टर्मरिक, और अनरिपन मैंगो और ग्रेप्स यानी कि अंगूर, तो टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा। टमाटो और स्पिनच यानी कि टमाटर और पालक, टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड कौन सा हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, टमाटो और स्पिनच यानी कि टमाटर और पालक में ऑक्सलिक एसिड, सोर यानी कि खट्टा दूध, जो दूध फट जाता है दोस्तों वो, और कर्ड यानी कि दही, तो ये कौन सा हो जाएगा लैक्टिक एसिड, ये अभी अभी पुलिस का एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसमें पूछा गया है ये वाला ही कि दही में कौन सा एसिड होता है लैक्टिक एसिड होता है, तो आपको ये याद हुए होंगे, यानी विनेगर में मेरे साथ बोले विनेगर में एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड दोनों ही सेम है दोस्तों, और आंवला, साइट्रिक फ्रूट, साइट्रिक फ्रूट में दोस्तों साइट्रिक एसिड होता है, यानी कि नींबू, संतरा, ये सभी खट्टे हो गए, नींबू है, संतरा है, रसीले फल, जिसमें दोस्तों हेयर ही, जो एक तरीके से आपने नींबू देखा होगा उसमें हेयर टाइप्स के वो होते हैं, और संतरे में भी उसी टाइप के होते हैं, तो उनमें हमारा क्या मिलता है साइट्रिक एसिड मिलता है, क्या ये चीज आप याद रखें, जो जिस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनका होता है उसमें बालनुमा दोस्तों रस होता है उनमें, तो वो सभी साइट्रिक होते हैं, और इस तरीके से ये खट्टे जैसे इमली है, कच्चा आम है, अंगूर है, ये सभी टार्ट्रिक, अब यहाँ से आपको याद हो जाएगा टार्ट्रिक यानी खट्टे आम और अंगूर और इमली, ये बहुत ही ज्यादा खट्टे होते हैं, ये इसमें मीठापन भी होता है दोस्तों संतरा में और रसीले फल में, लेकिन इमली पूरी खट्टी होती है, कच्चा आम है दोस्तों पूरा ही खट्टा हुआ, अंगूर भी ऐसे ही होते हैं, तो दोस्तों ये टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा। अब यहाँ पर टमाटो और स्पिनच यानी पालक और टमाटर में ऑक्सैलिक, क्या ऑक्सैलिक, टमाटर और पालक में ऑक्सैलिक, और सोर यानी खट्टा दूध और दही में लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड दही में कौन सा लैक्टिक एसिड, तो आपको ये याद हुए होंगे, तो एक बार इनको हम हटाते हैं और इनका रिवीजन करते हैं। रिवीजन दोस्तों लास्ट में करेंगे, पहले और हम लिख लेते हैं, इनमें जो रह गए हैं उसको लिखते हैं। तो दोस्तों ये और आ गए, जैसे वीट यानी कि गेहूं, गेहूं में ग्लूटेनिक एसिड कौन सा ग्लूटेनिक, ग्लूटेनिक यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज कहां से मिलेगा गेहूं से, गेहूं खाएंगे जब तो ग्लूकोज मिलेगा। टी यानी कि चाय और सेब, चाय और सेब,
मैलिक एसिड, क्या है मैलिक एसिड, सेब लेने आएंगे तो मोल भाव करेंगे तो मैलिक, मैलिक एसिड किसमें होगा सेब में होगा मैलिक एसिड। अति खट्टी दही, दही में दोस्तों देखा था हमने दही और दूध में तो उसमें कौन सा था लैक्टिक एसिड, लेकिन अति खट्टी सड़ गई दही एकदम सड़ी हुई दही तो कौन सा हो जाएगा ब्यूटेरिक एसिड। दही ज्यादा लगा लेंगे अति कर देंगे दही की, दही चेहरे से लगा लें तो ब्यूटेरिक ब्यूटी हो जाएंगे तो ब्यूटेरिक एसिड। तो ये वाला इस तरीके से याद रख लेना, अति खट्टी दही यानी सड़ी हुई दही में ब्यूटेरिक एसिड होता है। तो इस चीज को सड़ी हुई दही, ये चीज दही आए तो लैक्टिक एसिड, सड़ी हुई दही आए तो ब्यूटेरिक एसिड। और घृणी ततैया हनी बी यानी कि जो मधुमक्खी होती है, रेड एंट यानी कि लाल चींटी, चींटी और चेंटा दोस्तों वो अब जब खा जाते हैं जैसे चेंटा खा जाए, ततैया यानी कि बरैया जिसको बोलते हैं दोस्तों वो खा जाए तो उसमें कौन सा एसिड होता है फॉर्मिक एसिड जो कि हमारे जलन मचाता है दोस्तों वो यही होता है वृद्धि ततैया हनी बी इन सभी के डंक में कौन सा होता है फॉर्मिक एसिड, ये पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से भी फॉर्मिक एसिड। तो वीट यानी गेहूं में ग्लूटेनिक एसिड, टी चाय सेम में मैलिक एसिड, अति खट्टी दही में ब्यूटेरिक एसिड और वृद्धि ततैया हनी बी जिस तरीके से जो भी डंक मारते हैं दोस्तों उसमें क्या हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो ये सभी आपको याद हुए होंगे, एक साथ मेरे साथ बोले जो गेहूं होता है वीट उसमें कौन सा होता है ग्लूटेनिक एसिड होता है, और दोस्तों चाय और सेब में मैलिक एसिड होता है, अति खट्टी दही या सड़ी हुई दही में कौन सा होता है ब्यूटेरिक एसिड होता है, ततैया और लाल चींटी इन सभी में क्या होता है हनी बी में फॉर्मिक एसिड होता है। अब हम आपके सामने क्वेश्चन लगाते हैं और उनको आप मैच कर देना, जैसे कि अभी मैं पूछूंगा आपसे जो अंगूर होता है उसमें कौन सा होता है दोस्तों, अंगूर में टैट्रिक होता है और इमली में टैट्रिक होता है। अच्छा तो आप बता दें पालक में कौन सा एसिड होता है, पालक में होता है ऑक्सलिक एसिड, कौन सा होता है ऑक्सलिक एसिड, और किसमें होता है ऑक्सलिक एसिड टमाटो में यानी टमाटर में ऑक्सलिक एसिड होता है, इमली में टैट्रिक बता दिया आपने, तो इस तरीके से आपको याद हुआ होगा। तो दोस्तों अभी हम क्वेश्चन लगाते हैं तो उनको और आप सॉल्व कर लेना तो आपके एकदम याद हो जाए। तो दोस्तों ये है अब आपके सामने क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन किस तरीके से इस साइड में ये दिए हुए हैं और उस साइड में एसिड दिए हुए हैं, तो अब आपको ये मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है दोस्तों, अब यहाँ तक ट्रेंड चल रहा है मैच इट वाला है तो मैच इट से आपको सब आप पता कर पाएंगे। जैसे कि सेब, सेब का कौन सा होगा जल्दी से बताएं, इन पर हम नंबर अगर डाल लें जैसे कि एक दो तीन चार और ये हो जाएगा हमारा कौन सा पांच और ये छह और ये सात, तो अब बताएं सेब का कौन सा है मैलिक एसिड, एक ये हो जाएगा सोर मिल्क यानी खट्टा दूध और दही कौन सा होता है लैक्टिक एसिड, कौन सा लैक्टिक एसिड और विनेगर यानी कि सिरका, सिरका यानी कौन सा हो जाएगा सिरका में हो जाएगा एसिटिक एसिड यानी कि ये कौन सा तीसरा हो जाएगा एसिटिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड, अति खट्टी दही, अति खट्टी दही तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा ब्यूटेरिक एसिड, अति करेंगे तो ब्यूटी हो जाएंगे दोस्तों यानी ज्यादा दही लगाएंगे, वृद्धि ततैया ये सब काटती है तो फॉर्मिक क्या हो जाता है फॉर्म में आ जाता है इंसान, जैसे वो कोई खा जाए उसको फिर वो फॉर्म में आ जाता है एकदम पागल सा हो जाता है, तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे। और स्पिनिच यानी पालक, पालक में ऑक्सलिक क्या ऑक्सलिक यानी छह नंबर पर ऑक्सलिक हो जाएगा, नींबू संतरा ये हमने बताया खट्टे फल है नींबू संतरा क्योंकि खट्टे फल होते हैं तो ये हमारा कौन सा हो गया सात, ये सभी मैच हो गए। अब आपको एक बार जैसे मैंने वीडियो बोली थी उसी तरीके से आपने देखी तो आपको याद हो गए होंगे, जैसे ही आपके सामने ऑप्शन आएंगे आप ऑप्शन लगा देंगे, चाहे आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन हो तो आप उनको सॉल्व करके देखें, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, दो क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं, आप चाहे रेलवे की एसएससी की दोस्तों रेलवे में तो आना ही आना है दो क्वेश्चन। तो आप वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना सब्सक्राइब करना, थैंक यू।